पेपलम टॉप की कटिंग बताने जा रही हूँ और ये भी बताऊँगी कि मैंने इस पेपलम टॉप को किस क्रिएटिविटी के साथ बनाया है। तो चलिए फिर। ये मेरा 1.5 मीटर कपड़ा है जिससे मैं पेपलम टॉप बनाने वाली हूँ आज। ये देखिए, मैंने ये प्रिंसेस कट पहले अस्तर पे काट लिया है, फिर इसको मेन कपड़े पर रख लिया है। ये अभी बीच वाला पोर्शन रख रहे हैं हम, बाद में दूसरा रखेंगे। अब मैं इसको काट के बताऊंगा। ये हमारा बीच वाला पोर्शन कट गया, हम इसका साइड वाला काटेंगे। प्रिंसेस कट के दोनों साइड वाले पोर्शन मेन कपड़े पे रख के काट लिए हैं। अब मैंने ये बैक पोर्शन भी मेन कपड़े पर काट लिया है अस्तर रख के। अब हम लोग स्लीव्स काटेंगे। अब हम ये बचे हुए कपड़े से स्लीव्स काट रहे हैं। मैं इसकी ड्राफ्टिंग कर चुकी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये स्लीव लेंथ ले ली यहाँ पर 12.5, और ये ले लिया 8, और ये ले लिया 3.5, और ये हो गया 9, 9 का आधा 4.5, ये 4 का आधा 2.25। फिर इसमें ऐसे करके पत्ती वाला शेप बना लिया, पत्ती जैसा स्लीव्स काटने के लिए। ये बैक वाला हो गया, ये फ्रंट आर्म होल हो गया। अब इसकी कटिंग कर देंगे। हमें ये बचे हुए कपड़े से निकालना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतना चौड़ा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे इलास्टिक लगानी है, तो इसलिए इसको इतना चौड़ा छोड़ दिया। ऐसे शेप नहीं दिया स्लीव्स का। पे करते थे ये स्लीव्स करते। अब दोनों पार्ट में अस्तर जोड़ लिया जाएगा, ये दोनों साइड के पार्ट में और बीच के पार्ट में अस्तर जोड़ लिया है। और अस्तर जोड़ने के बाद इनको आपस में बीच वाले पार्ट में ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को जोड़ देंगे। ये इसका पूरा जोड़ लिया है साइड, और अस्तर भी लगा लिए, ऐसे ही बैक को भी जोड़ लिया इसके अंदर। अब हम लोग, ये फ्रंट ओपन है इसलिए इसमें गले की ड्राफ्टिंग कर ली है। गला 6.5 इंच गहरा है और 3.5 चौड़ा है। सब बॉक्स बना के गले की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ये फ्रंट से काटने के लिए लाइन खींची हुई है। अब और इसका गला बनाने के बाद अब मिलते हैं। अब पेपलम टॉप में जो नीचे फ्रिल लगती है, ये हम उसकी कटिंग कर चुके हैं, मतलब ड्राफ्टिंग कर चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे की है। पहले ऐसे और एक कपड़ा रख लिया इस तरीके से, फिर मुझे ये चीज़ 6.5 या 7 के करीब चाहिए। तो पहले तो मैंने यहाँ पर जो कमर है वो है 36, तो ये 9 इंचेस ले लिया यहाँ पर। फिर इधर इसको नापा, ये 12 और ये 12, यहाँ पर निशान लगा लिए। उसके बाद मुझे चाहिए ये 7 इंचेस, ताकि यहाँ पर ये फोल्ड करके ये 6.5 तक आ जाए। तो यहाँ से मैं इसको लूँगी, ये 19 इंचेस आ रहा है, और 19 इंचेस पे यहाँ पर ये निशान लगाया, फिर ये 19 इंचेस पे यहाँ निशान लगाया, फिर ये 19 इंचेस पे यहाँ निशान लगाया, फिर यहाँ, और ये पूरा मिला लिया। इसी तरीके से हमने ये कमर का भी हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लिया, और ये हमारी कटिंग लाइन है। मतलब नापा इस पर था और ये इसके ऊपर 1/2 इंच लेके ये कटिंग लाइन है, तो ये स्टिचिंग में चला जाएगा। अब इसको मैं काट देती हूँ।
फ्रंट पोर्शन का पूरा नेक फिनिश कर लिया पट्टी लगा के, ये बटन पट्टी लगा ली, इधर पर ये पट्टी लगा ली और ये नेक फिनिश कर लिया। इसी तरीके से बैक पोर्शन का भी नेक फिनिश कर लिया। अब हम इसको जोड़ लेंगे और ये यहाँ पर डार्ट भी डाल दी बैक पोर्शन में। अब हम इन पीसेस को जोड़ लेते हैं। मैंने इसका फ्रंट नेक बना लिया है, ये बैक नेक बना लिया है और आयरन करके सेट कर लिया है। ये बटन पट्टी इस तरीके की लगाई है, इसमें हुक वगैरह लगा लिया है और ये बैक में भी डार्ट डाल दिया है। अब हमारा क्या काम बचा है कि हमने जो ये और ये फ्रिल काटा था पैपलम टॉप का नीचे से, उसको मुझे यहाँ पर ऐसे अटैच करना है और ये फ्रंट ओपन रहेगा। इसके बाद यहाँ स्लीव्स लग जाएंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा पैपलम टॉप बन चुका है। ये पूरा मैंने इसको डमी पे पहनाया है और ये मैंने अपनी रैप अराउंड स्कर्ट पे से वियर किया है। ये देखिए, इसमें मैंने बनाने के बाद ये हैंड एम्ब्रॉयडरी करी है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये मेरे पास बटन्स रखे हुए थे तो ये इसे मैच कर रहे थे तो इसमें लगा दिए। और ये यहाँ पर इलास्टिक देख कर डिज़ाइन बनाया है और यहाँ पर भी हैंड एम्ब्रॉयडरी की है। और ये स्कर्ट में भी मैंने मिरर वर्क किया है, लेकिन वो इतना छोटा छोटा है कि दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये चमकते हुए दिख रहे होंगे आपको कहीं कहीं, बहुत छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो ये मेरा पैपलम टॉप बनके तैयार है। बताइए कैसा लगा।